हेलो इन शालोम एवरीवन, लाइव सेशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एंड दिस इज सच एन एक्साइटिंग टाइम कि हम एक बार फिर से आप सबों के साथ लाइव हो पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज के इस मैसेज के लिए भी मैं आप सबको वेलकम करना चाहती हूँ, इनवाइट करना चाहती हूँ कि आज के इस मैसेज को आप जरूर सुनिएगा। आई एम श्योर कि आप इस मैसेज से जरूर उन्नत होंगे, जरूर प्रभु में ब्लेसिंग्स को हासिल करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आपका बीता हुआ हफ्ता अच्छा रहा है और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आने वाला हफ्ता और भी आशीषों को लेकर आए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी कमी या किसी भी तरह की कोई भी ऐसी सिचुएशन में से ना होकर निकलना पड़े जो आपके लिए मुश्किल हो या आपके लिए असंभव हो। और अगर ऐसा कुछ होता भी है कि आप इम्पॉसिबल सिचुएशन में से होकर गुजरते हैं, तब भी याद रखिएगा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। ही इज अ माइटी गॉड हु कैन टर्न एन इम्पॉसिबल सिचुएशन इनटू अ पॉसिबिलिटी। आमीन। सो जितने भी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सिद्धू राजवीर जी, मीनल जी, शिवानी जी, रश्मिकांत जी, अलियास जी, प्रेम जी, जगजीत जी, सैमसन जी, आप सबों का बहुत स्वागत है। शीला जी, थैंक यू एवरीवन। मीना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। इट इज जस्ट सो गुड टू बी वंस अगेन विद ईच वन ऑफ यू। मनोज जी, मुख्तियार जी, सुभाष जी, संदीप जी, आप सबों का बहुत बहुत, मानिक जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। इस समय आप सबों को धन्यवाद देते हैं। देखिए, अक्सर ये कहा जाता है, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि जैसा इंसान दिखता है या जैसी उसकी अपीयरेंस है, उससे आप अंदाजा मत लगाएं कि उसकी लाइफ कैसी है या जैसी सिचुएशंस आप देख पा रहे हैं। व्हाट यू कैन परसीव, जस्ट डू नॉट कंक्लूड एनीथिंग और जज एनीवन ऑन दैट। सो आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं, उस पे आने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी को शेयर करना चाहती हूँ। एक बार एक लड़का होता है, एक जवान इंसान होता है, और वो उसके पास एक लग्जरी कार होती है। अब इस लग्जरी कार को वो फ्लॉन्ट करने के लिए अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और जूम जूम करके उस सड़क के ऊपर घूमता है। एंड एवरीबॉडी ऑब्वियसली विल लुक एट दैट स्वैंकी ब्यूटीफुल लग्जूरियस एक्सपेंसिव कार। तो वो एक जगह पर लाकर उसे खड़ा करता है और वहां पर एक छोटा सा बच्चा होता है, वो उस गाड़ी को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और उस गाड़ी को बड़े छूने की कोशिश करता है, बड़े आराम से उस पर हाथ लगाता है। अब ये जो बंदा होता है, वो सबको ये बता रहा होता है कि दिस कार हैज बीन गिफ्टेड टू मी बाय माय ब्रदर, यानी कि ये मेरे भाई ने मुझे कार गिफ्ट की है। तो वो इस बात में बड़ा प्राइड ले रहा होता है बताते हुए कि उसके भाई ने उसे ये कार गिफ्ट की है। तो ये जो छोटा बच्चा होता है, उससे पूछता है कि इसका मतलब आपने इस गाड़ी के लिए एक भी पैसा नहीं खर्चा? तो वो कहता है, नहीं, क्योंकि ये तो मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की है। तो कहता, वाओ, काश मैं भी। तो वो इंसान ये सोच रहा होता है, ये बोलेगा, काश मैं भी ऐसा भाई पाता जो मुझे इतनी महंगी गाड़ी दे पाता। लेकिन वो लड़का कहता है, काश मैं भी एक ऐसा भाई बन पाता जो अपने भाई को इतनी महंगी गाड़ी दे पाता। तो ये जो लग्जूरियस गाड़ी वाला लड़का होता है, ही फील सो एम्बैरेस्ड अपनी सोच पर, अपने समझ पर बड़ी इससे शर्म आती है और ये सोचता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि ये बोलेगा कि काश मेरा भी ऐसा कोई भाई होता जो मुझे इतनी महंगी गाड़ी देता। लेकिन वो बात निकल जाती है तो वो देखता है कि उस बच्चे की नजर में उस गाड़ी के लिए एक अलग सी एप्रिसिएशन है। तो ये लड़का उसे बोलता है कि तू मेरे साथ ड्राइव पे चलना चाहेगा? वुड यू लाइक टू अकंपनी मी ऑन अ ड्राइव इन दिस ब्यूटीफुल कार? तो कहता है, हाँ, बट मैं अपने घर जाना चाहूंगा। तो इसे लगता है कि ये अपने घर में जाके अपने नेबरहुड में ये बात दिखाना चाहता है, दैट यू नो आई हैव समबडी नोन टू मी हु हैज दिस बिग ब्यूटीफुल कार। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुझे तेरे घर लेकर जाता हूँ। और जैसे ही वो उसके घर के पास पहुंचते हैं, तो ये छोटा सा बच्चा क्या है, गाड़ी में से निकलता है, भागता हुआ सीढ़ियां चढ़कर जाता है और कुछ टाइम अपने घर के अंदर लगाता है। अब ये जो यंग बॉय होता है, यंग मैन होता है, ये सोच रहा होता है कि शायद ये लड़का अपने घर के लोगों को बता रहा हो कि इतनी बड़ी गाड़ी हमारे घर के बाहर आई है और इस गाड़ी में जो बंदा बैठा हुआ है वो बहुत ही हाई फाई है और वो अपने बारे में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें खुद ही सोच सोच कर खुश हो रहा था।
लेकिन जब ये लड़का बाहर आता है तो उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है जो क्रिपल्ड होता है, एक ऐसा लड़का होता है जिसके हाथ पांव नहीं चल सकते और उसकी टांगे मुड़ी हुई होती हैं और वो छोटा सा मांस का लोथड़ा होता है जिसे वो अपनी गोद में उठाकर लेकर आ रहा होता है। अब ये यंग मैन बहुत ही उसको देखकर एस्टोनिश्ड होता है और वो कहते हैं कि ये कौन है। कहता है कि ये मेरा छोटा भाई है जो कि चल फिर नहीं सकता और ना ही वो देख सकता है कि फेस्टिवल्स में बाजारों की चकाचौंध कैसी है, तो मैं भी एक ऐसा भाई बनना चाहता हूं जो अपने इस छोटे भाई के लिए ऐसी गाड़ी खरीद सकूं ताकि मैं इसे गाड़ी में बिठाकर बाजार में घुमा सकूं, दिखा सकूं कि दुनिया कैसी है और ये उसे एंजॉय कर सके। ये लड़का बहुत ही शर्मिंदा होता है अपनी छोटी सी सोच को लेकर, उस बच्चे की जिंदगी को पहले से ही उसको जज करने को लेकर, और फिर वो उन सबों को बिठाता है अपनी गाड़ी में और उन्हें लेकर जाता है। एंड इन द मीनवाइल जब वो देखता है कि ये लड़का अपनी गोद में उस भाई को बिठाकर उसे समझा रहा होता है कि क्या चीज कैसे है, कैसे कौन सी चीज से कहां से होकर ये जा रहे हैं, एंड ही फील्स रियली रियली हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि वो किसी की खुशी का हिस्सा बन पाया, पर एट द सेम टाइम वो बहुत ही दुखी होता है इस बात को जानकर दैट ही हैड बीन टू क्विक टू जज द अदर पर्सन। तो आज जिस बात को मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूं वो ये है कि कई बार हम अपनी जिंदगी में दूसरे को देखते हुए बहुत क्विकली उसे जज करने की कोशिश करते हैं। कई बार दूसरों के पहनावे को देखकर, कई बार उनकी बातों को देखकर, कई बार उनके उठने बैठने को देखकर, कई बार उनकी हरकतों को देखकर, वी आर जस्ट सो क्विक टू जज द अदर पीपल। पर आज की इस स्टोरी से आप समझ पाए होंगे कि जब हम किसी को देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो हमें दिखाई दे रहा हो वही असलियत है, हो सकता है कि उसके पीछे की स्टोरी कुछ और ही हो। देखिए वचन भी हमें बताता है, जबकि आप पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं उसके 7th chapter में 1-2 आयतों में ये बात कही गई है कि किसी को जज मत करें, किसी पर दोष मत लगाएं, बिकॉज जो आप दूसरे के लिए करेंगे व्हाटएवर हाउएवर यू जज द अदर पर्सन यू विल बी जज्ड योरसेल्फ। और वचन बताता है कि जिस पैरामीटर पर आप दूसरे को जज करेंगे वही पैरामीटर आपके लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। So, अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई जज करे, अगर आप ये नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको जज करे, तो स्टॉप जजिंग अदर पीपल। अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि डॉक्टर नीतू, तो जब हम किसी को देखते हैं तो ऑब्वियसली हम उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, उसकी गलतियों पर हमारा ध्यान जाता है और हम उसे जज कर बैठते हैं, तो हम ऐसी हालत में कैसे इन आदतों में से बाहर निकल सकते हैं। देखिए एक चीज और है कि जब तक आप जज नहीं करेंगे, जो आप इट्स अ वेरी सिंपल सर्कल ऑफ लाइफ कि जो आप देते हैं वही घूमकर आपके पास आता है। मैंने अपनी कई वीडियोस में इन चीजों के बारे में बात भी की है कि व्हाट एवर यू गिव टू द वर्ल्ड विल इवेंचुअली कम बैक टू यू। तो वचन भी जब आप देखें यही बात कहता है, जब चैप्टर 6 ऑफ द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक आप पढ़ते हैं तो वहां पर 37th verses में ऑनवर्ड्स ऐसा लिखा गया कि अगर आप नहीं जज करेंगे तो आपको जज नहीं किया जाएगा, अगर आप नहीं दोष लगाएंगे तो आप पर दोष नहीं लगाया जाएगा, अगर आप दूसरे को कंडेम नहीं करेंगे तो आपको कंडेम नहीं किया जाएगा, अगर आप दूसरे को माफ करेंगे तो आपको भी माफ किया जाएगा। सो इट इज अ कंप्लीट पैकेज, जो आप करेंगे वही आपको वापस मिलेगा। तो अब वही बात में वापस आती हूं कि आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसमें से बाहर कैसे आ सकते हैं। मैं आपको इजी से कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूं कि अगर आपको बड़ा इजीली आप किसी को जज करने लग जाते हैं तो आप कैसे अपने आप को रोक सकते हैं या इससे बाहर आ सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज जो है कि ये है डू नॉट क्रिटिसाइज अदर्स और फाइंड फॉल्ट्स इन देयर लाइफ, यानी कि दूसरों को नुकता चीनी के साथ मत देखें और उनकी जिंदगी में गलतियां ढूंढने की कोशिश ना करें। इस बारे में भी हम बहुत बार बात कर चुके हुए हैं, जब आप किसी की गलती देखेंगे तो आपको गलती ही दिखाई देगी, लेकिन प्यार क्या है, जब ओवरफ्लोइंग प्यार होता है हमारी लाइफ में तो हमें उस इंसान की गलतियां कम दिखाई देती है। द मोर यू लव द लेस यू जज, जितना ज्यादा आप प्यार करेंगे उतना कम आप दूसरे को जज करेंगे, उसका आंकलन करेंगे। जब हम अपने बेस्ट फ्रेंड्स की भी बात करते हैं
कितनी गलतियां होती हैं, कितना कुछ होता है, हम इग्नोर कर देते हैं जस्ट बिकॉज हम उस बंदे से अटैच्ड होते हैं, हमें वो बंदा प्यारा लगता है, तो हमें उसकी गलतियां भी ज्यादा दिखाई नहीं देती हैं, हम इग्नोर कर देते हैं. सो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि हमें दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करना है और उन्हें उनके अंदर से फॉल्ट, उनके अंदर से गलतियां नहीं ढूंढनी है. दूसरा ये है कि कई बार हम उस इंसान के पास्ट को, बीते हुए कल को उसकी जिंदगी के साथ अटैच करके देखते हैं. सो हमें क्या करना है, हमें सिन को सिनर से सेपरेट करना है, यानी कि एक पाप को पापी से अलग करना है. अगर आपको पता है कि कोई इंसान पहले गलतियां कर चुका है, पाप में गिर चुका है, उसने अपनी जिंदगी को खराब कर लिया था, लेकिन अब वो वैसा नहीं है, तो आप भी वो चश्मे निकाल दें जो उसके पास्ट को देख देख कर उसे जज करते हैं. अब वो इंसान नहीं हो सकता. अगर वो नहीं है तो आप भी क्यों उसके पास्ट के हिसाब से उसको एनालाइज करते हैं. सो इसलिए अगर आप किसी को जज करने पे मजबूर हो जाते, आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह जब नाजरत आए थे तो वचन बताता है कि वो वहां पर ज्यादा मिरेकल्स नहीं कर सके, वो उनके अविश्वास की वजह से नहीं कर सके, वो उनके डिसऑनर की वजह से नहीं कर सके, क्योंकि वो लोग क्या कह रहे थे ना, क्या ये वही यीशु नहीं है जो मरियम का बेटा है, क्या इसके बहन भाई हमारे बीच में नहीं रहते, क्या ये वही नहीं है जो बचपन से जैसे हम देखते आए. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस अनबिलीव की वजह से, उस अविश्वास की वजह से परमेश्वर को उन कामों को करने ही नहीं दिया जो प्रभु कर सकते थे, और जो करते हुए आए थे इतने हैवी मिरेकल्स, इतने माइटी काम जो प्रभु करते आए थे, ही कुड नॉट परफॉर्म देम देयर. Why? Because they were trying to look at Jesus, वो प्रभु यीशु मसीह पर ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो पास्ट में उन्हें जानते थे as a बच्चा, as a probably, you know, growing adult. तो इसलिए जब भी आप किसी को जज करने लगे, इस बात को जाने कि उनका पास्ट बीत चुका है, आप पास्ट के बेसिस पे उसका आज जज नहीं कर सकते. Okay? So this was point number two. Point number three ये है कि कई बार हमें लगता है कि हम किसी को रिस्पेक्ट दें या हम किसी को इज्जत या ऑनर दें, वो बंदा ना डिजर्व नहीं करता. मैंने बड़े लोगों से सुना है इस बारे में कि नहीं पास्टर जी, हम तो ठीक है उसको इज्जत देना चाहते हैं, पर वो बंदा डिजर्व ही नहीं करता. देखिए, जब आप ये सोचने लग जाएंगे कि कोई बंदा डिजर्व नहीं करता तो वो कभी डिजर्व करेगा भी नहीं. आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो बंदा डिजर्व करता है कि नहीं करता है, आपको बस उस बंदे को जो इज्जत देनी देनी है, फ्रीली दें, जस्ट गिव इट फ्रीली टू द पर्सन, कि आप इसलिए उसे इज्जत दे रहे हैं क्योंकि वो आपसे बड़ा है, इसलिए इज्जत दे रहे हैं क्योंकि उसने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, इसलिए आप इज्जत दे रहे हैं क्योंकि उनका औधा आपके औधे से बड़ा हो सकता है. सो एनी विच वे, कोई भी ऐसा पैरामीटर हो सकता है जिसकी वजह से आप दूसरे को इज्जत दे सकते हैं. तो आप बोले ठीक है जी, छोटों को इज्जत देने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल जरूरत है जी, आजकल छोटे तो ज्यादा तेज होते हैं. सो आपको छोटों को भी इज्जत देने की जरूरत है, क्योंकि जब आप छोटों को भी इज्जत देंगे, इट विल इवेंचुअली कम बैक टू यू. सो ये नहीं, थर्ड पॉइंट ये कि ये नहीं देखना है कि कोई बंदा डिजर्व करता है कि नहीं करता उस इज्जत और मान और आदर को, बट यू जस्ट हैव टू गिव इट फ्रीली. तो जब आप किसी की इज्जत करेंगे, आप उसको जज नहीं करेंगे. Amen. Okay. The fourth point is कि हर इंसान को आपको benefit of doubt देने की जरूरत है. जैसे आज की स्टोरी में भी हमने सीखा कि वो यंग मैन ये समझ रहा था कि ये लड़का बोलेगा कि काश मेरा भी कोई ऐसा भाई होता, पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया. फिर अगली बार में वो ये सोच रहा था कि शायद वो अपने नेबरहुड में बहुत बोस्ट करेगा इस बात को, बड़ा प्राइड महसूस करेगा, पर उसने वहां पर भी नहीं किया. देखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट देने का मतलब होता है कि हम उस इंसान की जगह पर खुद को रख के देखें और ये जानने की कोशिश करें कि उस इंसान ने ऐसा क्यों किया है. उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो शायद आपको नहीं पता. कई बार हम कभी किसी इंसान को देखते हैं और वो हमसे अगर बात ना करे तो हमें लगता है कितना स्नोबिश बंदा है, कैसा सा एरोगेंट बंदा है, इसको तमीज नहीं है. पर हमें ये जानने की जरूरत हो सकती है, क्या पता उसके घर में कैसे हालात हो जिसकी वजह से वो इतना मायूस है कि वो देख ही नहीं पा रहा कि सामने कौन खड़ा है और किसको विश करना भी है कि नहीं करना है. तो आप दूसरे इंसान की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें, उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दें, ताकि आप जान सकें कि वो गलत नहीं भी हो सकता है, तो इसे जज नहीं करें. आमीन. ओके. एंड अनदर पॉइंट इज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि आप परमेश्वर से अपने दिल को प्रभु के प्यार से भरने के लिए प्रार्थना करें. आप कहेंगे नहीं जी, हम प्यार तो बड़ा करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है. देखिए, प्यार करना और प्यार दिखाना दो अलग अलग बातें होती हैं.
आप प्यार बहुत कर सकते हैं किसी से, पर जब तक आप उसे जताते नहीं है, दिखाते नहीं है, उसका इजहार नहीं करते, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आप दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो मांगे परमेश्वर से कि प्रभु मेरे दिल में इतने प्यार को, इतने प्यार के जज्बे को डाल दे कि जब मैं दूसरे इंसान को, किसी को देखूं, तो मैं उसे जज ना करूं, मैं ऐसे ही देख पाऊं जैसे कि आप उसे देखते हैं, मैं ऐसे ही उसे प्यार कर पाऊं जैसे कि आप करते हैं, मैं वैसे ही उसके साथ कंपैशनेट हो पाऊं जैसे कि आप उसके साथ हैं। So, हमेशा परमेश्वर से ये मांगे। सो देयर आर दीज 5 पॉइंट्स। सबसे पहले ये कि किसी को क्रिटिसाइज ना करे, फॉल्ट फाइंडिंग ना करे, फॉल्ट ढूंढने की कोशिश ना करे। दूसरा ये कि सिन को सिनर से अलग कर दें, यानी कि पाप उसकी जिंदगी में अगर था तो उसको अलग करके देखें, उसके पास्ट को मत देखें। तीसरा ये कि चाहे वो इंसान डिजर्व करता है कि नहीं करता, आपको फ्रीली उसका आदर करना है, उसको ऑनर करना है। चौथी चीज ये है कि आपको उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करनी है। और फिफ्थ ये है कि आपको परमेश्वर के प्यार को अपनी जिंदगी में उभरते हुए ओवरफ्लोइंग लव को मांगना है, ताकि आप दूसरों को जज ना करें लेकिन परमेश्वर में होकर उन्हें प्यार कर सकें। आमेन। सो इन पॉइंट्स के साथ मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप इससे पहले कि किसी को जज करें, आप इन बातों को याद रखें, ताकि आप जज ना करें और ना ही आपको जज किया जाए। आमेन। सो आए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। और आज मेरे मन में परमेश्वर ने डाला है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कि वायरल इन्फेक्शन से होकर गुजर रहे हैं, और सर्दी, खांसी, जुकाम, इन चीज़ों से होकर गुजर रहे हैं, बुखार जिनकी जिनको हो रहा है, बट इट इज़ नॉट COVID-19। सो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और कुछ टेस्टिमनीज भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। असम से मंदाकिनी जी लिखती हैं, वो कहती हैं कि उनके लिवर में फैटी लिवर था जो डायग्नोस किया गया, और 3 साल से वो लगातार मेडिकेशन पे थी और कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन आपको याद होगा कि 2020 में टुवर्ड्स द एंड नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने लिवर प्रॉब्लम्स, लिवर एलिमेंट्स के लिए प्रार्थना की थी। तो वो बता रही हैं कि उस प्रेयर को उन्होंने रिसीव किया था और प्रभु ने अद्भुत तरीके से उनकी लाइफ में काम किया है, एंड शी इज बीन डायग्नोस्ड विद अ परफेक्ट लिवर। प्रभु ने उन्हें बिल्कुल उस प्रार्थना, ऑनलाइन प्रेयर के द्वारा ठीक किया है। सो वी गिव ग्लोरी टू द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यूएसए से सिस्टर सोबिया लिखती हैं, और वो कहती हैं कि उनकी आईज में एलर्जी थी और आईज के आसपास के सारे एरिया में उनकी एलर्जी थी, लेकिन परमेश्वर ने उस ऑनलाइन प्रेयर के द्वारा जो पिछले वीक में हमने की थी, जिसमें हमने सब एलिमेंट्स के लिए प्रेयर किया था, तो उसके द्वारा परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी है। एंड शी हैज सेंड अस एन ऑडियो मैसेज ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर बताते हुए कि प्रभु ने उन्हें ठीक कर दिया है। सो वी गिव ग्लोरी टू द लॉर्ड फॉर हिज मार्वेलस वर्क्स। और एक और हमारे पास जो टेस्टिमनी आई है वो है सिस्टर किरण की, जो कि पंजाब से लिखती हैं, और वो कहती हैं कि उनको यूरिनरी एलिमेंट थी और उनका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो ज़्यादा समय तक यूरिन को होल्ड नहीं कर सकता था, और उनके मसल्स जो हैं वो वीकन हो चुके थे विद हर एज। तो वो लिखते हैं कि जब पिछले हफ्ते प्रार्थना हुई फॉर द यूरिनरी इन्फेक्शंस आल्सो एंड सिस्टम्स आल्सो, तो उस टाइम पे उन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, और प्रभु यीशु के नाम से उनकी जिंदगी जो है पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में बहुत बदल चुकी है। सो इट इज मार्वेलस। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन सब गवाहियों के लिए, इन सब टेस्टिमनीज के लिए जो प्रभु अपने लोगों की लाइफ में कर रहे हैं। सो आज का ये समय आपके लिए है। अगर आप भी प्रेयर अपने लिए रिसीव करना चाहते हैं, जिसमें कि आपकी भी कोल्ड, कफ या वायरल इन्फेक्शन से कोई प्रॉब्लम है, सो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन रिसीव द प्रेयर, एंड वी विल टुगेदर इन वन अकॉर्ड, इन अग्रीमेंट, वी विल प्रे फॉर यू। कम, लेट्स जस्ट से अ वर्ड ऑफ प्रेयर। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, आपको महिमा देते हैं। राजा, आपको, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, और प्रभु इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रभु जी, आप प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, और सारी गवाहियों के लिए जो आज तक प्रभु हमारे पास पहुंची हैं और इन दिनों में भी आ रही हैं, उन सबों के लिए आप ही के बड़े नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस समय हम उन सब भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि हमारे इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं और आने वाले दिनों में इस वीडियो को देखने जा रहे हैं। अगर वो किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से होकर गुजर रहे हैं, कफ या कोल्ड या चेस्ट कंजेशन से होकर गुजर रहे हैं, या वायरल फीवर से होकर गुजर रहे हैं,
और प्रभु वो बहुत परेशान हैं, तो प्रभु आज होने दे मेरे राजा कि आप उन पर अपने रहम को, अपने कृपा को करें, और परमेश्वर आपकी कृपा से, आपकी चंगाई से मेरे प्रभु जी ये रोगी चंगे हो जाए और सारे का सारा इन्फेक्शन, सारे का सारा कफ, सारे का सारा कोल्ड, सारे का सारा कंजेशन प्रभु इनके शरीरों को छोड़कर जाए और आपकी चंगाई प्रभु इनके जीवनों में राज करे। धन्यवाद देते हैं पिता आपके उस प्यारे स्पर्श के लिए, आपके उस सुंदर टच के लिए मेरे खुदा, जो आपके पवित्र आत्मा की बदौलत आप अपने लोगों को छूते हुए चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद देते हैं सारे का सारा बुखार प्रभु, एवरी सिकनेस एंड एलमेंट विच इज कंसर्न्ड विद द वायरल इन्फेक्शन, लेट दैट बी टेकन आउट ऑफ देयर बॉडीज, टेकन आउट ऑफ देयर बॉडीज इन द नेम ऑफ जीसस। फॉर मास्टर वी नो इट इज ओनली यू, सिर्फ आप ही हैं पिता जो ये कर सकते हैं, ओनली यू लॉर्ड, यू आर द ग्रेटेस्ट हीलर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। इस समय आप अपनी चेस्ट पर हाथ रख सकते हैं, अपने गले पर हाथ रख सकते हैं, इफ यू हैव सोर थ्रोट, आपका गला बहुत दर्द होता है तो आप इस समय अपने गले पर हाथ रख सकते हैं। अगर आपकी चेस्ट कंजेशन है तो आप चेस्ट पर हाथ रख सकते हैं, अगर आपको बुखार है तो आप सर पर हाथ रख सकते हैं, बिलीविंग दैट द स्पिरिट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छुएंगे और आप चंगाई पाएंगे, ना तो बल से ना ही ताकत से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। जिंदा प्रभु आप अपने लोगों के हाथ के ऊपर अपने हाथ को रखें, आपकी प्रेजेंस को वो महसूस कर सके, सारे का सारा कंजेशन, इन्फेक्शन, बुखार, दर्द, सोरनेस इन द थ्रोट प्रभु यीशु के नाम से दूर हो, प्रभु यीशु के जिंदा नाम से दूर हो। लेट योर हीलिंग फ्लो इन देयर बॉडीज मास्टर, आपकी चंगाई उनके शरीरों में, उनकी रगों में दौड़े प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Let their bodies receive your healing at this moment. Let these bodies receive their healing. Prabhu Yeshu ke zinda naam mein is chungai ko receive kare. Thank you Lord. Prabhu ji aapko sari ki sari mahima dete huye is sari prarthna ko Prabhu Yeshu Masi Nasri ke zinda jalali aur samarthi naam mein hokar mangte hain. Amen. Amen. Parmeshwar ka dhanyavad dete hain. आप अपनी बॉडी को चेक कर सकते हैं, पानी पी के देखिए एक बार, और अपने गले को चेक करें, अपनी चेस्ट कंजेशन को चेक करें, लंबे लंबे सांस लेकर देखें, अब आप ले पा रहे हैं, प्रभु ने आपको चंगाई दे दी है। आप अपनी टेस्टिमनीज को जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, वी लव टू शेयर योर टेस्टिमनीज अमंगस्ट आवर टीम मेंबर्स, हमारे जो टीम के लोग हैं हम उनके साथ इन टेस्टिमनीज को शेयर करते हैं, क्योंकि वो लोग आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, जब तक आपकी टेस्टिमनीज नहीं आ जाती तब तक आपके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। और अगर आपकी कोई और भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें हमारे वीडियोस पर डाल सकते हैं उन प्रेयर रिक्वेस्ट को, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7508292916 पर डाल सकते हैं, अपने नाम के साथ, अपनी सिटी के साथ, और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आती हैं हम उनके लिए बकायदा प्रार्थना करते हैं। एक चीज और मैं आपको कहना चाहती हूं कि अगर आपको हमारे नाम से कोई फोन आए या व्हाट्सएप मैसेज आए या कोई ईमेल आए ये कहते हुए कि वो आपसे पैसे मांगना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूं हमारी मिनिस्ट्री में हम पैसे नहीं मांगते, हम आपसे पैसों की अपील नहीं करते। सो अगर आपको कोई हमारे नाम से, नीतू पी चौधरी ऑफिशियल या डॉक्टर नीतू पी चौधरी के प्रेयर टावर से कोई ऐसे कहकर मैसेज करता है या फोन करता है कि आप पैसे दें हमें, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हम पैसे नहीं लेते हैं, मांगते नहीं हैं। अगर आप देना चाहते हैं, दैट इज आउट ऑफ योर लव फॉर द लॉर्ड, अगर आप इस मिनिस्ट्री में सो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, पर हम आपको फोन कर करके आपसे पैसे नहीं मांगते हैं या आपको मैसेजेस डालकर। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो प्लीज ब्रिंग इट इन टू आर नोटिस, हमारे नोटिस में कई लोगों ने लाया है, इसलिए आज मुझे इस वीडियो
वीडियो में कहना पड़ रहा है, तो प्लीज आप धोखा मत खाइएगा। सिर्फ हमारे ऑफिशियल नंबर्स, ऑफिशियल जो ईमेल है और ऑफिशियल पेजेस और चैनल पर ही आप हमसे संपर्क करें इस बात को जानने के लिए कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं या किसी को किसी का आपको कॉल आया है या आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। सो परमेश्वर आपके साथ हूँ, इस मैसेज के साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, और अगली बार जब हम दोबारा आपसे मिले तो ढेर सारी आपकी गवाहियों के साथ हम आपसे मिलना चाहेंगे। सो गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड अ ग्रेट वीक अहेड, और प्रभु आपके साथ हूँ और आपके घरों में परमेश्वर का जॉय, परमेश्वर का आनंद वास करे, ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। God bless you. Shalom.